जी नाजिन, जिस तरह के आज हमारा प्रोग्राम खानपुर में है, हम इस वक्त मौजूद है ओल्ड खानपुर में। जिस तरह के हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं खानपुर की जो एक तारीख है, एक तारीखी इलाका है, यहाँ पर जो तारीखी मकामात हैं उनकी आपको सैर करवाना चाह रहे हैं, तो इस वक्त हम मौजूद है ओल्ड खानपुर में। ओल्ड खानपुर में अगर आप मेरे अकब में देखें, एक जामिया मस्जिद जो कि तकरीबन 300 साल पुरानी मस्जिद है, और यहाँ पर जो राजगान बरदरी थी, यहाँ पर जो आबाद थी 300 साल पहले की, तो उन्होंने यहाँ पर तकरीबन ये मस्जिद बनी हुई उस वक्त की। तकरीबन मैं आपको बताता जाऊँ कि इस इलाके में जब ये डैम खानपुर डैम बना तो 9 मस्जिदें, जामा मस्जिदें इस इलाके में मौजूद थी, जिसमें तकरीबन 8 जो है वो पानी में जो है वो शहीद हो चुकी, वो पानी में ही मौजूद हैं। लेकिन एक जो सबसे पुरानी मस्जिद जामा मस्जिद जो है वो जो है अब आज भी कायम दायम है। यहाँ पर इसकी देखभाल के लिए एक खादम भी मौजूद है। हम बाकी तफसीलात हम आपको बताएँगे, यहाँ पर जो खादम है इस मस्जिद के उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको दिखाता जाऊँ, यहाँ पर ये साइड पर एक पानी की टैंकी और वज़ू की जो जगह हैं वो अभी भी यहाँ उसी शक्ल में बनी हुई हैं, जहाँ पर जो नमाजी थे, जामा मस्जिद थी, और काफ़ी तादाद में जो है लोग यहाँ पर जो आबाद थे। तो इन इलाकों के मैं आपको बताऊँ, तकरीबन 9 जो है विलेज कह सकते हैं या 9 महल्ले कह सकते हैं, यहाँ पर राजगान के मौजूद थे। तो उस वक्त की ये मस्जिद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एक खादम है, हम उनसे बाकी तफसीलात देंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी नाजिन, जिस तरह के हम दिखा रहे हैं आपको आज यहाँ की खानपुर, पुराना खानपुर जिसे बोला जाता है, उन कदीम मस्जिद जो कि तकरीबन जामा मस्जिद 300 साल कबल पुरानी, यहाँ पर खादिम जो हैं वो हम वक्त मौजूद रहते हैं। यहाँ पर इसकी देखभाल के लिए शाहनवाज साहब मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे मज़ीद तफसील लेंगे कि वो इस मस्जिद की तारीख के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी। आपका ताल्लुक और मस्जिद के बारे में बताएँगे आप, और क्या कब से यहाँ पर आप खानपुर के रहने वाले हैं या किस टाइम से ये काम है? मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ जी, खानपुर में, मला तारिया में। ये खानपुर के 9 मोहल्ले, 9 जामा मस्जिदें थी, लेकिन बाकी जो है ना वो पानी चढ़ने की वजह से शहीद की हो गई हैं। ये बहुत तारीखी मस्जिद है, वो इतनी तारीखी नहीं थी, तो ये तारीखी मस्जिद है। इसकी देखभाल जो है ना ये अभी बिल्कुल उस्तरा हो चुकी है, बसीदा हो चुकी है, तो ये एक विरसा है हमारा। बिल्कुल, आने जाने वालों को से भी यही गुजारिश करेंगे को थोड़ा तकद्दस का ख्याल करें, जूतों के साथ इसमें दाखिल ना हो, अंदर नाम अच्छा, ना लिखे। तारीख के हवाले से भी आपने कहा, तारीख के हवाले से राजा जानदाद खान थे जी। अच्छा, मतलब मैं आ रहा हूँ, राजा जानदाद खान थे, उन्होंने बनाई थी। 84 गाँव के लोग उन्होंने इकट्ठे किए थे। वो फकीर था, राजा था लेकिन फकीर था, उसने ये मस्जिद बनवाई, माल भी बनवाया, लेकिन कारीगर दिल्ली से मंगवाए थे उन्होंने। अच्छा, ये दिल्ली से जी, कारीगर दिल्ली से। ये दीवारें देखें आप, दो दो गज गहरी दीवारें हैं इसकी। तो अर्ज इस तरह जी कि बस अभी इसकी देखभाल नहीं है, ये वीरान हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक महल था, तो महल जो बिल्कुल मस्जिद के साथ बना हुआ था वो भी जो है आज मौजूद नहीं है, उसके निशानात बाकी हैं। तो थोड़ा सा बताएंगे कि क्या हदूद अरबा था यहाँ पर डैम से पहले? क्या डैम से पहले ये एक शहर नमा गाँव था जी, क्योंकि मैं 78 में आर्मी में भर्ती हुआ हूँ, तो उस वक्त ये डैम बना नहीं था। अच्छा। उससे पहले हालात मुझे, मतलब मैं यहीं पला बड़ा हूँ, मतलब एक काफ़ी सारे देहात के लेवल से भी, और गांव शहर इस तरह था कि 84 गाँव इससे मुतलका थे, 84 गाँव इससे मुतलका थे, जिनका वेटनरी अस्पताल, डाकखाना, थाना और अस्पताल, हाई स्कूल, ये सब बैंक इधर थे, और फिर ये जिरगा इधर बैठ होता था। अच्छा। उस वक्त उससे पहले जो राजगान का दौर था, तो यहीं पे जिरगा होके फैसले हुआ करते थे। ये तारीखी इसलिए है, इस मस्जिद में मतलब जिरगे हुआ करते, जिरगे हुआ करते तो थे, फैसले हुआ करते थे। 84 गांव जो थे, 84 गांव मुतलका थे इनके, इस थे। अच्छा। जो इनकी मलकियत थी, राजा जानदाद खान की जो मलकियत थी, 84 गाँव थे, ये उनका शहर था खानपुर। यहाँ पे बागात थे, सब्जियाँ, फल, हर चीज़ यहाँ की, यहीं पर मंडी होती थी, यहीं बिकती थी, और यही लोग खाते थे, कुछ बाहर से लाना पड़ता था। तो ये डैम जब बना, फिर वो लोग यहाँ से चले गए, उजड़ गए, मकान गिर गए। आज भी राजगान तो माशाल्लाह काफी राजगानों ने, तो राजगानों को तो अल्लाह पाक ने, बस वो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने तो गरीबों को कुछ भी नहीं मिला। गरीब अभी हमसे जो 1000 रुपये कनाल जमीन ली गई है, अभी इधर तकरीबन 50 लाख पे चली गई है वो जमीन। ठीक है, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, ये मस्जिद है, ठीक है, यहाँ पर अभी ज़ाहरी बात है डैम बन गए, आबाद गांव तो आबाद दोबारा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर एक तारीखी विरासत है, ज़ाहरी बात है देखने के लिए लोग आते हैं। तो जो देखने वाले हमारे नाज़रीन हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं इस मस्जिद की, थोड़ा सा उनको ये बताएं कि इस मस्जिद, जैसे अभी आपने कहा 84 गाँव थे, तो मज़ीद क्या यहाँ की और तारीखी वाले गए ना जी,
रास्ता ही कट गया, वो रास्ता उनका हो गया डैम के बाद, फिर डैम के बाद हम लोग नीचे आते शुरू हो गए। बाकी गवर्नमेंट का तो हक बनता है ना जी, हम इंसान से सवाल नहीं करते, गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर रहे हैं कि इसकी तकदस को देखते हुए इसकी ओवरहॉलिंग की जाए, कुछ कुछ ना कुछ इसके लिए फंड, तारीखी जो विरासत है वो कायम हो जाए कि इसकी ओवरहॉलिंग हो और ये कायम रहे, आने वाले लोग भी देखते हैं, नमाज पढ़ते हैं इसमें लोग, स्पेशल ऐसे लोग भी हैं किदतमंद जो वहाँ से स्पेशल कश्ती लेके आते हैं यहाँ नमाज पढ़ने के लिए। अभी ये काम मांग रही है गवर्नमेंट से, मांग रही है, हम इल्तमास करते हैं गवर्नमेंट जी। अच्छा, ये जिस तरह की अभी हमने बात की, हमने थोड़ा सा दिखाया आपको, इस तरह जो है आपको अंदरूनी मनाजर भी दिखाते हैं, खादम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो दरवाजे थे आप देख रहे हैं कि अभी भी जो है मौजूद हैं, लेकिन टूट फूट का शिकार हैं। तो जिस तरह एक तारीखी वरसा है, 300 साल कदीम पुरानी मस्जिद, जो कि इसके अलावा अगर देखें तो 8 मस्जिद इधर और भी थी जाम मस्जिद, लेकिन ये सबसे कदीम। तो जिस तरह ने कहा 84 गाँव जो टोटल इस एरिया में थे, जो डैम में काफ़ी बड़ा डैम खानपुर डैम, उसमें जो है वो डूब चुके हैं वो गाँव, लेकिन ये मस्जिद जो है इसकी अगर हम देखें हाइट भी ज़्यादा है, तो ये पानी में नहीं जो है आई। तो इसके हवाले से हम खादम साहब से अंदरूनी जो यहाँ पर बनावट है उसके हवाले से भी पूछेंगे। जिस तरह के मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसकी जो, जिस तरह खादम साहब ने कहा कि ये मस्जिद जो है दिल्ली से कारीगर आए थे, और जिस तरह उन्होंने कहा कुछ दालें और कुछ चीज़ें जो है मिक्स करके मटीरियल बनाएगा, आज भी देखा जाए तो बिल्कुल इसकी दीवारें बिल्कुल साफ़ और उसी तरह कायम और दायम है। इसकी अगर मैं छत दिखाऊँ आपको, वो भी जो है बड़ी मैं कह रहा हूँ कि महारत से बनाई गई है, कारीगरी इनकी दिखाई जाए तो बिल्कुल आज भी इतनी मजबूत और ऐसी है कि उसकी शक्ल असली हालत में मौजूद है। तो इसके साथ साथ जिस तरह खादम साहब ने कहा, एक घर था इमाम साहब, बिल्कुल हमारे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, तो ये घर भी है जो यहाँ पर इमाम साहब रहते थे, तो वो भी आज कायम उदायम है, लेकिन उसकी जो अंदरूनी जो हालत है वो बहुत ख़राब है। जिस तरह कि उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि इस तारीखी विरासत को ज़िंदा रखने के लिए इस पर थोड़ी सी तवज्जो अगर हो जाए, तो यहाँ पर जो तारीख़ है, जो मतलब हमारी जो, जिस तरह के गवर्नमेंट कहती है कि सियाती मकामात हो गए या तारीखी मकाम को जो है बिल्कुल उनको कायम दायम रखना उनका फ़र्ज है, तो यहाँ पर भी तवज्जो हुकूमती, जो जिस तरह खादम साहब ने भी कहा कि इसकी इस तरफ तवज्जो होनी चाहिए। तो एक बहुत ही प्यारी मस्जिद और जामे मस्जिद, जिसमें जिस तरह खादम साहब ने कहा कि जरगे पूरे इस 84 गांव के जो मेन जरगे होते थे वो इसी मस्जिद में होते थे, और एक हिस्ट्री है और एक पुरानी तारीख है जो कि आज भी देखा जाए। तो ज़िला हरिपुर की अगर मैं बात करूँ, सबसे तारीखी मुकाम जो खानपुर, जो यहाँ पर लोग आबाद थे राजगान, तो बहुत बड़ी इनकी तादाद थी, लेकिन खानपुर डैम जब बना तो वो वहाँ से फिर जो है कुछ लोग हिजरत कर गए, कुछ खानपुर में आज भी मौजूद है, न्यू खानपुर बना वहाँ पर वो मौजूद है। तो एक तारीखी विरासत है, बहुत प्यारी मस्जिद है। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो है कुछ विज़िटर भी आए हुए हैं जो कि खानपुर जो आए हैं, इनसे पूछेंगे कि यहाँ आके उनको कैसा लगा और तारीखी जो यहाँ विरासत हैं देखने आए हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले बताएं आप कहाँ से आए हैं? मैं बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी मुजफ़्फ़राबाद से आए हैं हम फील्ड ट्रिप पर। अच्छा, तो यहाँ पर आप खानपुर आए हैं, तारीखी मकामात देखें, पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आए हैं? नहीं, एक दफ़ा पहले आए हैं। अच्छा, तो आप अभी, आपने देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत कम विजिटर आते हैं इस जामे मस्जिद को देखने के लिए, तो क्या कहेंगे इसकी बनावट के बारे में? ये इसकी जो है मुग़ल दौर का, मेरे ख्याल 300 साल है, तो ये उनका आर्किटेक्चर है, वो किस तरह बनाते थे। तो दूसरी इस मस्जिद की जो हालत इजार है उसको देख के मतलब हमारा दिल जो है वो खून के आंसू होता है। पिछले दिनों आपने भी सुना होगा के पी के का जो वज़ीर-ए-आला है, उसने कहा था कि 1.6 इस तरह कोई उसने वो सिर्फ मस्जिद के इमाम और मस्जिद के जो वो काम के लिए दिया था, लेकिन अब आप खुद देख रहे हैं, ये सारे देख रहे हैं इस मस्जिद का, ये बुरी हालत है, दरवाजे इसके टूटे हुए चाहिए। तो ये भी के पी के में आता है, खानपुर भी, ये भी इतना मतलब तारीखी हमारा मुकाम है, तो इसके लिए भी वज़ीर-ए-आला के पी के से मैं रिक्वेस्ट करूँगा। आप कहते हैं कि तारीखी विरासत जो है उसको ज़िंदा रखना चाहिए? बिल्कुल ज़िंदा रखना चाहिए, और ये तो है भी मस्जिद है, अल्लाह का घर है, इसकी ऐसी हालत इज़ार फिर मुसलमान ऐसा नहीं देख सकते इसको, तो इसको अच्छे बनाए, इसमें सयाह भी आएंगे, फिर हमारे हुकूमत के लिए भी फ़ायदा है, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो सिर्फ मतलब ईदगाह, उन्होंने कहा तो ईदगाह की नमाज़ पढ़ते हैं, तो उनको भी मतलब बाकायदा यहाँ मतलब मस्जिद आबाद होगी, उसके फिर वज़ीर-ए-आला को भी सवाब होगा। तो यहाँ पर और कहाँ पर तारीखी मकामात आप गए हैं? खानपुर तो एक तारीखी शहर है, तो क्या सुना आपने यहाँ?
ये हम खानपुर, हमारा एक्चुअली डिपार्टमेंट जियालॉजी है, तो उस हवाले से हम खानपुर डैम देखने आए थे, लेकिन इत्फाकन इधर ये मस्जिद देखने आएंगे। अभी आगे जो एक ये चाचा कह रहे हैं एक और जगह भी, उधर भी हम जाएंगे, और हमारा पूरा 10 दिन का फील्ड है, तो हम पूरे मतलब ये घूमेंगे। जी आप क्या कहना चाहते? जी मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि जो हमारा ये मस्जिद है, एक अजीम कारीगरों ने बनाया है, बहुत मेहनत की है, तो ये हमारा आज जो है ना हुकूमत वक्त ज़ाया कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना इधर पानी है, ना इधर कोई मतलब कोई हुकूमत के वाले से आपके जो स्ट्रक्चर है उसको तो कायम दायम रखा जाए, कायम दायम रखा जाए। तो मतलब देखें, तारीखी वरसा ज़ाहरी बात है, हमारी न्यू जनरेशन जो है, जैसे आप अभी स्टडी में हैं, तो वो अपने तारीखी मकामात जो हम पढ़ते हैं किताबों में, तो वो चीज़ें हम देखते हैं जाकर, तो उनकी वो हालत भी होती जो होनी चाहिए, तो इस पर हुकूमत को ख्याल रखना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप, खानपुर आए तो कदीम शहर है यहाँ पर, और क्या देखा? हमने उधर एक देखी है, वाटर सप्लाई की टैंक देखी है जो मस्जिद के उस साइड पे है, वो तकरीबन वो बता रहे हैं कि 700-800 साल पुरानी है। बहुत भी इधर बहुत कदीमी जगह हैं जो हमने घूमी फिरी हैं, तो हम यही कहेंगे हुकूमत वक्त से कि इनकी जल्द से जल्द बिल्कुल मेंटेनेंस की जाए, उसका ख्याल रखा जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल एक मुकामी जो है, यहाँ पर हमारा जो है साफ़ी भाई भी मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे कि वो मस्जिद की तारीख के हवाले से क्या कहते हैं। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहते हैं? जी देखें, ये एक जो हमारे मुल्क की बिलखसूस के पी के की जो एक फन व सकाफत का एक कदीम शाहकार है, और ये अल्लाह ताला का घर है, और ये दिन ब दिन साल ब साल जो है ना इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो रहा है। और मैं जो है ना हुकूमत से इसकी अपील करूँगा कि बराए करम इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, और इसकी जो भी तामीर व मुरम्मत है इस पर जो है खसूसी तौर पर इसके लिए एक फ़ंड मुख्तस किया जाए, और इस फंड मुख्तस करके इसको के जो है ना नए डिज़ाइन से तामीर किया जाए, और ये जो मौजूदा डिज़ाइन है इसी पर भी जो है ना तज़य्युन आराइश की जाए। और दूसरी बात यह कि यहाँ से जो है ना चंद मिनट के फासले पर एक और आसार कदीम भमाला है, वो तो महकमा आसार कदीमा की ज़ेर तसल्लत है, ज़ेर सरपरस्ती में, जबकि अल्लाह ताला के घर है। और यहाँ पर बहुत अफसोस होता है कि देखें कि इस ये जो है ना महकमा आसार कदीमा जो है ना इसको नज़रअंदाज कर रहा है। तो मैं ये अपील करूँगा कि इसको अगर आप तामीर मरम्मत करें, इस पर बाकायदा एक बाजमात नमाज का भी आगाज़ किया जाए, और दूसरी तौर पर यहाँ पर जो कह रहे हैं ईदगाह, ईद की नमाज़ होती है? हाँ, ईद की नमाज़ होती थी, लेकिन यह कि अब नहीं होती। और इसमें यह है कि जो हमारा महकमा आसार कदीमा है, इस पर बाकायदा तौर पर जो है ना तज़य्युन आराइश करके सियाहती पैलेस भी बना सकते हैं, सियाह आते हैं यहाँ पर, और जो है ना इसमें आप पाकिस्तान की हुकूमत को ज़र मुबादला भी जो है ना कसीर मौके मिल सकते हैं इसके लिए। अच्छा शहनवाज़ साहब, जिस तरह के अभी आपने जो है मस्जिद के अंदर जितनी भी बिल्डिंग के जो कंस्ट्रक्शन थी उसके बारे में बताया, ये बाहर जो बनावट बनी हुई है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये उस वक्त का मठ था जी, जब पानी गर्म ख़त्म होते थे, परमानेंट ख़त्म होते थे, उस वक्त का ये नेट मठ है, मठ इसको बोलते थे अब, तो ये इसमें पानी गर्म होता था, सर्दियों में साइड पे टूटी है, नीचे आग जलती थी, तो उसके बाद साथ ये बाथरूम थे संजय खाने, तो ऊपर जाके फिर वजू ऊपर बनाते थे। दीवारें आज भी मौजूद है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो टूट फूट का शिकार, हाँ टूट फूट का, लेकिन इसके महल भी इसके साथ था। तो ये जैसा भी आपने कहा वजू के लिए, इसके साथ इमाम साहब का घर भी जो है देखा जाए नाज़रीन, तो हम दिखाते जा रहे हैं आपको, वो भी जो है टूट चुकी है, इमाम मस्जिद का घर था, और दूसरी तरफ जो है ना जी वो माल था। अच्छा माल था जी। तो महल में कौन रहता था? वो राजगान की फैमिली रहती थी, राजगान की फैमिली, इस तरफ चीफ ऑफ गखड़ जो थे, डेडी इस तरफ थी, अंदर वाला खाना था जहाँ पे फैमिली रहती थी, बाहर तो बहुत बड़ा माल था, और एक शानदार माल था, इस तरह नहीं मतलब बहुत शानदार माल था। अच्छा इसके बारे में बता रहे हैं, इस मस्जिद के जाम मस्जिद के इर्द गिर्द जो थी बिल्कुल आबादी थी, सब आबादी थी जी, नॉर्मल है, बहुत गुंजान आबादी थी, और ये हिंदू टाइम से पहले की आबादी थी। अच्छा उससे पहले ये एक दरबार है इधर साथ में, 700 साल से ज्यादा पुराना है। अच्छा वो भी है, उन्होंने यहाँ पर टोटल आबादी के हवाले से अगर आपको अंदाजा हो कितनी थी? तकरीबन अभी तो लाख के करीब होगी, होगी कम उस वक्त, उस वक्त 30-35 100 मकामी था, बाकी 84 गांव थे साथ इसके, खानपुर ये इस वजह से ज़्यादा पावरफुल था, मतलब वो ये जो साइड एरियाज है वो वहाँ तकरीबन, हाँ नहीं बल्कि 3500 नहीं बल्कि 6-6.5 हज़ार अभी वो नफरी बाढ़ के बहुत दूर पहुँच चुकी है, न्यू खानपुर पूरा ये आबादियाँ 3 महल इधर बड़े बड़े, और बाकी शहरों में लोग गए हैं वहाँ पर भी उसी तरह बहुत जवान हो गए हैं। तो ये अब क्या क्या है यहाँ पर, आप जैसे अभी आपने कहा कि थोड़ा सा आपने अपनी मदद, आपका जो काम हुआ, तो यहाँ पर मस्जिद दोबारा आबाद हो सकती है अगर अगर कोई करना चाहे जी, तो दरस भी बन सकते हैं, और भी कोई ना कोई जरिया बन सकता है, तो वैसे ये हम ईदगाह के तौर पे अभी जिसको, अच्छा ईद की नमाज होती है, ईद की नमाज यहाँ होती है जी,
जी नाज़रीन, जिस तरह के आज हमने आपको दिखाया यहाँ पे जो जामे मस्जिद, जो 300 साल पुरानी जो मस्जिद थी, जो यहाँ पर चीफ ऑफ गखड़ जिन्होंने बताया, उन्होंने यहाँ पर इस वक्त बनाई, तो और मस्जिद भी यहाँ पर थी, बहुत कदीम इलाका खानपुर जिसमें हम आपको हमने दिखाया। जिस तरह की हमने आपको यहाँ पर जो है पैरा सेलिंग दिखाई, इसके साथ साथ एक तारीखी मस्जिद दिखाई, तो अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर खानपुर की जो मशहूर फ़िश, यहाँ पर जो डैम की फ़िश है वो भी मिलती है, और उसके बारे में यहाँ पर जो आए हुए सयाह हैं उनसे पूछे गए कि खानपुर की फ़िश कैसी है। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, जिस तरह के यहाँ पर हम आपको दिखाया कि खानपुर की फ़िश जो बहुत ही मशहूर है, तो यहाँ पर कुछ लोग जो है वो खा भी रहे हैं, तो उनसे पूछेंगे कि फ़िश के बारे में वो यहाँ की क्या कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक जी। किधर के आप? यहाँ के लोकल रहने वाले हैं? हाँ, इस्लामाबाद से। अच्छा, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। तो आप क्या कहेंगे, आप फिर आप आए घूमने के लिए, तो खानपुर की फ़िश के बारे में क्या? बहुत अच्छी बनाई है इसने, मशहूर फ़िश है और बहुत जायकेदार बनाई इसने, अच्छी बनाई है इसने। वैसे भी लोग ज़्यादा फिश खाने के लिए यहाँ आते हैं, हम यूसेज जरिए से रहें, ठीक अच्छी बनाई, अच्छा जायका था। हर देखें फिश तो, अगर तरीवार की फ़िश होगी, इस तरह हर इलाके की अपना एक जायका होता है, तो खानपुर की जो फ़िश है, मतलब जायके के लिहाज से नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो डैम की मछली भी अक्सर होटल वाले लेके आते हैं, लोकल फ़िश होती है, तो क्या कहेंगे आप? इसने जो हमें खिलाई है बहुत अच्छी फिश थी, और हम ये सुन के आए थे कि यहाँ पर फिश बहुत अच्छी मिलती है लोकल, यहाँ पर जायकेदार थी, अच्छी थी। तो नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे, आए खानी चाहिए? हाँ हाँ, आए, इधर आए खानपुर में, आए खाएं, वहाँ अच्छी मछली देते हैं, बना के देते हैं, जायकेदार है, और हमें तो बहुत मज़ा आया। जी, खानपुर की माशाल्लाह बड़ी अच्छी फिश है, हम भी इस्लामाबाद से जो है ना सुन के खाने के लिए आए हैं, तो बहुत मज़ा आया, बड़ी मज़ेदार इसने बनाई है, एक मेयार है इनका और एक नाम है, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, इस्लामाबाद से भी आते हैं, पिंडी टेक्सला से भी बहुत दूर से लोग आते हैं इधर फिश खाने के लिए। आप इस्लामाबाद से? जी। किस इलाके से? D12 से, इस्लामाबाद D12। D12 तो रावल डैम की फ़िश भी है, तो खानपुर की फ़िश भी है, उधर भी आप फिश, मतलब बंदा तो क्या कहेंगे और विजिटर्स को यहाँ पर जो आते हैं खानपुर की, इस तरह और चीज़ें भी मशहूर हैं, तो क्या क्या खानपुर में आपको क्या पसंद है? हम तो फिश के लिए ही आते हैं अक्सर जो है ना, तो और उसके बाद माल्टे हैं और लोकाट वगैरह है, उसके लिए भी आते हैं, माल्टे के सीज़न में भी हम स्पेशली यहाँ पे आते हैं माल्टे लेने के लिए, तो फिश तो माशाल्लाह बहुत जो है ना यहाँ पे, यहाँ की टेस्टी है और बहुत मशहूर है, तो लोगों को भी हम कहेंगे कि वो यहाँ आएँ, विज़िट करें और यहाँ का टेस्ट लें, माशाल्लाह बहुत अच्छी फिश है यहाँ पर। हाँ, तरबेला की भी ठीक है, मशहूर है, लेकिन हम तरबेला भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना हम खानपुर की जो फिश है ना उसके लिए ज़्यादा हम उसको तरजीह देते हैं, ज़्यादा खाने के लिए आते हैं, और लोगों को भी जो दोस्त वगैरह हैं उनको भी दावत देते हैं कि इधर वो आके खाएं। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, खानपुर की मछली तो बड़ी जगह पे मिल रही है, हम अगर अक्सर आते हैं, गेस्ट वगैरह मेहमान वगैरह इधर आते हैं तो हम इधर ही लेके आते हैं, और खानपुर की मछली जो है ना इधर भी मिल रही है, उधर भी मिल रही है, पूरे खानपुर में मिल रही है, पर क्रेडिट बनाने वाले को भी जाता है, ये भी बना रहा है खानपुर की मछली, वो भी बना रहा है, सारे बना रहे हैं, जो क्रेडिट बनाने वाले को भी जाता है, तो इस तरह माशाल्लाह इसका। खानपुर की बड़ी सौगात मशहूर है, मतलब ये कि क्या कहेंगे नाज़रीन, कौन कौन सी है? जी, इधर माल्टा होता है, लीची होती है और फिश होती है सर्दियों में, ये इसी तरह ये बिल्कुल, ये पीछे आप चले जाएँ म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम से आगे आएँ, आगे भी जोलिया में है, सैर तफरी है, फिर खानपुर डैम है, आगे खानपुर मोड़ है, और इस तरह काफ़ी, फिर इस तरह आप चले जाएँ इधर से तरनावा से ऊपर चले जाएँ, इस्लामाबाद से सेंटर जा रहा है, लिंक जा रहा है, ऊपर ही काफ़ी रिजॉर्ट बने हुए हैं, काफ़ी अच्छी जगह है, अच्छे सियाती मकाम। जी जी, अच्छे अच्छे मकाम। जी जी, बिल्कुल। जी नाज़रीन, जिस तरह के आपने देखा यहाँ पर, हमने आपको दिखाया कि थोड़ा सा जो है टूरिस्ट प्लेस दिखाई, इस तरह तारीखी मकाम मस्जिद दिखाई, एक 300 साल पुरानी कदीम मस्जिद थी वो भी दिखाई, इसके साथ साथ हमने आज के प्रोग्राम में आपको कोशिश की कि जो है नाज़रीन को कुछ ऐसा खानपुर की जो मशहूर चीज़ें हैं उसमें हमने आपको खाने पीने की जो अशिया थी उसमें हमने आपको फिश दिखाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। नाज़रीन, इसके साथ हमारे आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है, अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे, अपने मेज़बान महर सीमा आपको इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।